वो कौन से टाइप के सेल हैं जहाँ पे जो हमारे लाइजोजोम्स हैं वो एबंडेंटली होते हैं स्टार्ट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है स्टोरेज सेल तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है राइट और स्टोरेज सेल्स में हमारे बेसिकली इंक्लूडेड होते हैं वो सेल्स जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं दैट इज ग्लाइकोजन एंड द ट्राई क्लेस्टराइड राइट सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है क्लैंडर सेल्स तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पर गलत होता है और जो क्लैंडर सेल्स हैं ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन दिक्रिएशन ऑफ हॉर्मोन्स राइट देखेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है फैगोसाइटिक सेल्स तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड राइट बिकॉज फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं इनमें लाइजोजोम हमारे एबंडेंट होते हैं लास्ट ऑप्शन देखेंगे लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है वास्कुलर सेल तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है और ये जो वास्कुलर सेल्स हैं ये एक वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू ओके सो करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन थर्ड है जो हमें दिया गया है यहाँ पर फैगोसाइटिक सेल एंड अदर आर द रॉन्ग ऑप्शन इवन फॉर दिस क्वेश्चन राइट क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई, आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर